हेलो जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी ठीक होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद पाल ब्लॉग में। तो देखिए, सुबह के 6 बज चुके हैं और इधर बच्चों में नंदनी और गुड्डू जाग चुकी है। गुड्डू जा रही है फ्रेश होने के लिए, गुड्डू भी जाग चुकी है और नंदनी भी जाग चुकी है। इन्हें जाना है स्कूल। इनके ब्रेकफास्ट के लिए छोले मैंने उबाल कर रख दिए है गैस पर। इनके लिए बनाऊंगी छोले और बाकी जो इनकी मर्जी होगी, पूरी या पराठे, वो इनसे पूछ लेंगे। और आरुषि, आरुष और चिंकी अभी सोए हुए हैं, तो चलिए उन्हें भी उठा देते हैं क्योंकि 6 बज चुके हैं और 7:30 बजे आती है बच्चों की गाड़ी। नंदनी, कैसे जाओगे स्कूल? मोटरसाइकिल पर तो जाओगे, कौन छोड़ जाएगा? पापा जी तो यहाँ है पे नहीं, फिर कौन छोड़ जाएगा? चुनील पापा जी तो मैं तो काम से बाहर गए हुए, अमित भैया छोड़ जाएंगे। ठीक है, उधर से गाड़ी से आना। ओके, नहीं क्यों? अर्ली मॉर्निंग के लगभग जो जरूरी जरूरी छोटे मोटे काम थे वे सारे निपट चुके हैं। आंगन में झाड़ू लगा दिया है, चूल्हा साफ कर दिया है और माँ ने जो है दही यानी कि मट्ठा लगा दिया है, घी निकाल दिया है मक्खन, और अब लगते हैं बाकी के काम में। बच्चों के लिए बनाते हैं नाश्ता। देखिए, छोले मैंने इधर उबाल लिए है और अब इन्हें फ्राई कर दूंगी, सूखे ही बनाऊंगी। और इधर माँ ने जो है मट्ठा लगा दिया है और घी निकाल दिया है इसमें, तो बच्चे जो है सूखी सब्जी के साथ अगर ले जाना चाहे गर्मी है, मट्ठा लेकर जा सकते हैं बोतलों में। तो सबसे पहले उठा देते हैं बच्चों को। दोनों बहनें सोई हुई है, आरुषि और चिंकी। चिंकी बेटा उठ जाओ, 6 बज गए। आरुषि उठो बेटा, चलो ब्रश करो, स्कूल में जाना, तो उठो जल्दी, 6 बज गए। आरुषि उठो बेटा, ब्रश करना फिर। चलो, चिंकी दीदी उठ गई ना, आओ। गुड्डू दीदी भी उठ गई और नंदू भी उठ गया। चलो देखो कितना आला सारा आरुषि, दिन में तो सोती नहीं जरा देर भी, और इस टाइम इनकी नींद नहीं पूरी होती। इधर हमारे कान्हा जी भी उठ चुके हैं, राधे राधे कान्हा जी। और इधर सोए हुए हमारे दूसरे लड्डू गोपाल जी। आरुष बेटा, आरुष उठो बेटा, चलो गुड मॉर्निंग। देखो कैसे सोया हुआ है आरुष बेटा, चलो उठो। हैं, जो छुट्टी का दिन हो ना उस दिन तो 5 बजे उठ के गुड मॉर्निंग कर ले सब। उठो बेटा। इधर सबसे पहले कर देते हैं बिस्तरे इकट्ठे और खाट हटा देते हैं, फिर इस कमरे में पूजा वाले में पोछा लगा देंगे और बरामदे में, और उसके बाद बनाएंगे नाश्ता। तो जी, सबसे पहले बिस्तरे इकट्ठे करके बरामदे में साफ कर देते हैं और पूजा वाले कमरे में, क्योंकि फिर बच्चे जब तक मैं नाश्ता बनाऊंगी ना, कान्हा जी को नहला देंगे और पूजा पाठ कर लेंगे, क्योंकि मुझे फिर लेट हो जाएगा बच्चों के साथ, पहले इन्हें स्कूल भेजना होता है और 8 बज जाते हैं। तो चलिए, मैं पहले साफ सफाई कर देती हूँ, फिर लगूंगी नाश्ता बनाने में, और बीच बीच में इन्हें भी देखना है क्योंकि ये किसी के बस में नहीं आते, मुझे तैयार करने पड़ेंगे। तो चलिए लग जाते हैं अपने काम में। तो जी, कपड़े मैंने बिस्तरे सारे इकट्ठे कर दिए हैं, अब खाट करूँगी बाहर और बिस्तरे रखूँगी अंदर मेज पे जहाँ रखे जाते हैं सबके। और देखें, आरुषि को बहुत आला सारा, अंदर से आकर ना सोफे पर लेटगी। आरुषि बेटा चलो ब्रश करो फटाफट, लेट हो जाओगे नहीं।
तो जी बरामदे में मैंने साफ़ कर दिया है, पूजा वाले रूम में साफ़ कर दिया है, पर्दे वर्दे सही कर दिए हैं और अब पर्दे लगा दूंगी ताकि मक्खियाँ घर में ना आए। वैसे तो आज गर्मी बहुत है और हवा भी गर्म ही चल रही है और बादल से हो रखे हैं, और नहीं तो सारी मक्खियाँ ना आकर यहाँ पर बैठ जाती है सोफे पे और मेज़ पे, और कमरों में फिर करेंगे संग आकर झाड़ू पोछा, तब तक यहाँ साफ सा हो जाता है, कोई भी आ जाता है निकल जाता है। एक साइड के पर्दे लगा दिए हैं ताकि सोफे पे और मेज़ पे मक्खियाँ ना बैठे, और सारे को क्लीन कर दिया है बरामदे में। और अब करेंगे किचन का काम, किचन में नाश्ता बनाऊंगी बच्चों के लिए। किचन भी मैंने पोछा लगा दिया है नीचे की ओर, और ऊपर भी स्लेब साफ कर दिया है, और अब बनाऊंगी नाश्ता। नाश्ते में बच्चों से पूछती हूँ, पहले चाय रखूंगी और दूध पकना रखूंगी, और उसके बाद छोले फ्राई करूंगी, और फिर जो इनकी मर्जी होगी पूरी या पराठे या रोटी सादी जो भी लेके जाना चाहेंगे वही बना दूंगी। तो जी इधर मैंने एक गैस पर रख दिया है दूध पकने के लिए और एक पर रख दिया है चाय, जिसका जो मन होगा वो पी लेंगे। और बड़े तो हम चाय ही पीते हैं और बच्चे दूध ले लेते हैं, और खाना जी का भोग लगा, गाय का दूध है मैंने अभी पकने के लिए रखा है। तब तक मैं छोले फ्राई करने के लिए उनकी ग्रेवी तैयार करूँगी, तब तक ये दोनों पक जाएंगे। तो जी यहाँ हो गया पोपट, कुछ तैयार करते करते ही दूध उबलना रह गया, चाय उबलनी चाय पकनी रह गई, और इधर हो गया सिलेंडर ख़त्म, गैस हो गई ख़त्म। तो कोई नहीं, गैस तो एक्स्ट्रा है एक, और सिलेंडर लगा लेते हैं और चल लगते हैं अपने काम पे, तब देखो कितनी परेशानी होगी। सुबह का टाइम, बच्चों के नाश्ते का टाइम, और इधर गैस ख़त्म हो गई। तो जी दूसरा सिलेंडर ले आया उठा के, और इसे एक बार चेक कर लेते हैं कहीं से लीकेज तो नहीं, और उसके बाद लगा लेते हैं। बहुत के साथ ऐसा होता होगा कि ज़रूरी काम हो और सिलेंडर ख़त्म हो जाए, फिर सोचना पड़ता है कि क्या करा जाए। तो जी एन मौके पर हो गया था हमारा गैस ख़त्म, तो कोई नहीं हमारे पास दूसरा अवेलेबल था तो हमने दूसरा लगा लिया है, तो चला देते हैं अब जल्दी जल्दी काम करते हैं। उधर बच्चे भी तैयार होने स्टार्ट हो गए हैं, और छोटे छोटों को तो मुझे ही तैयार करना पड़ेगा, एक तो अभी सो के भी नहीं उठा, आलस कर रहा उठने का, ठीक चल जाएगा हम तो अच्छी बात है। तो चलिए पहले थोड़ा बहुत नाश्ता तैयार कर देती हूँ, फिर पहले मैं तैयार करूँगी, उसके बाद रोटियाँ सेकूँगी उनके लिए। छोले की ग्रेवी का सामान मैंने तैयार कर लिया है, इसको अब जब पीस लेती हूँ मिक्सी में, ग्राइंड कर लेती हूँ। इधर चाय भी हमारी लगभग पक चुकी है और दूध में तो हमारे उबाल आ ही चुका है। इधर मैंने छोले फ्राई करने की तैयारी कर ली है, ग्रेवी मैंने बना ली है, और छोले इधर उबले हुए, आटा मैंने बना कर रख दिया है, तब तक ठीक हो जाएगा। और ये छोले भी हमारे उबल चुके हैं और सूखे ही बनाऊंगी बच्चों के टिफ़िन के लिए, और दोपहर के टाइम कुछ और देख लेंगे बनाने के लिए, लेकिन सुबह सब्ज़ी ज़रूर चाहिए होती है, क्योंकि दोपहर तक ना खाली पराठे भी रूखे सूखे से हो जाते हैं और अच्छे नहीं लगते। और ये सबसे पहले डाल लेते हैं तेल, तेल कमी डालेंगे नहीं तो ना इनके टिफ़िन में निकल जाएगा साथ, और फिर बैग और बुक्स सारी ख़राब हो जाती है। इधर सबसे तेल हमारा हो चुका है, इसमें डालती हूँ जीरा और टमाटर और प्याज भी, क्योंकि छोलों में मैंने उबालने में भी नमक डाला था, तो नमक डालूंगी थोड़ा ही ताकि तेज ना हो। थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया और सौंफ, कसूरी मेथी, और इसे पका लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये अच्छी तरीके से पक जाएगा ना तो अपना अच्छा कलर छोड़ देगा, क्योंकि सारे मसाले ना अच्छी तरीके से पक के सारा कलर छोड़ देंगे। अभी से थोड़ी देर के लिए ढककर रख देते हैं प्लेट से। तो जी मसाले हमारे पक चुके थे, इसलिए मैंने छोले डाल दिए हैं और अभी ने अच्छी तरीके से पका देना।
मसाले गरम मसाला यूज नहीं करूँगी क्योंकि गर्मी है, बच्चों को भी नुकसान देगा और सब्जी जल्दी ख़राब होने का भी डर रहता है। जब स्वाद के साथ खा लेते हैं तो बहुत अलग होती है। ऐसे डर थोड़ी देर वो कर देती हूँ। बाकी बचे हुए जो छोले हैं वे दोपहर में काम आ जाएंगे, थोड़ी छोले बना लेंगे, कुछ और सब्जी बना लेंगे छोलों के साथ और कर देते हैं। तो जी इधर छोले की सब्जी मैंने बना दी थी, बच्चों ने टिफिन में रख लिया ठंडी होने के लिए, और अब बनाऊंगी पराठे। गुड्डू बोल रही है चाची जी पराठे बनाओ, रोटी नहीं अच्छी लगती और पूरी बनाने में लगेगा टाइम और बच्चों का ओली आए टाइम, क्योंकि छोटे छोटे जो है ना माँ के पास में नहीं आते और उन्हें ना मुझे खुद ही तैयार करना पड़ा। तो ठीक है, पहला पराठा गाय के लिए और फिर बच्चों का लगाऊंगी टिफिन। चिंकी बोल रही है कि मुझे तो ये सब्जी इतनी पसंद है, मैं तो बिना रोटी के ही लेके जाऊंगी। तो उसने तो खाली छोले रखे हैं सूखे और मट्ठा रख दिया है। वो जी बच्चे सारे स्कूल में चले गए हैं। जो आरुष जो है अपने मम्मी पापा की गैरहाजिरी में थोड़ा सा जिद करता है, बस थोड़ी जिद करता है, तैयार होने के बाद फिर तैयार होकर नाश्ता करके आराम से चला गया। लेकिन तब तक तो, जब तक तैयार नहीं करा तब तक तो वो कोशिश करता रहा कि तेरा आज कैंसिल हो जाए तो ठीक है। और माँ ने नाश्ता कर लिया है, पिताजी गए हैं बस स्टॉप पर बच्चों को छोड़ने के लिए, पिताजी आएंगे तब उन्हें नाश्ता देंगे। तब तक के लिए अब निपटाते हैं बाकी के घर के काम। नाश्ता पानी सबका हो ही गया है और बच्चे सारे स्कूल में चले गए हैं। नंदनी बची है, नंदनी को नहला धोला कर थोड़ा लेट भेजते हैं क्योंकि इतना लंबा टाइम उस पर हो नहीं पाता है, गर्मी होती है और फिर वो बस में भी नहीं जाती है, इसीलिए उसे एक जना छोड़ एक सदस्य जो है घर का छोड़ कर आता है बाइक से। तो आज उसके कोई पापा जी तो है नहीं, दोनों में तीनों में तो कोई से भी अमित को भेजूंगी, अमित छोड़ कर आएगा और फिर दोपहर में देखेंगे कि गाड़ी में आएगी या चाचा जी लेकर आएंगे। तो चलिए जी अब करते हैं घर के बाकी काम।